हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव को। रिएक्ट नेटिव क्या है, कैसे काम करता है और कैसे हम रिएक्ट नेटिव की मदद से मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर फ्रॉम द स्क्रैच देखने वाले, यानी बेसिक से एडवांस लेवल तक हम रिएक्ट नेटिव को सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद में मिनी प्रोजेक्ट्स और फिर लास्ट में हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, जितने भी हमने मर्न स्टैक प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं, सेम उसी तरीके से एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हम यहाँ पर रिएक्ट नेटिव में भी क्रिएट करेंगे। अब स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ये स्लो पेस लग सकता है, क्योंकि हम स्टार्ट में जो है इसको अच्छे से समझेंगे कैसे काम करता है। एक 5 से 10 ट्यूटोरियल हम क्या करेंगे, बेसिक कवर कर लेंगे, उसके बाद में फिर डायरेक्टली जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी देख सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट के साथ में ही जो है रिएक्ट नेटिव को भी समझ सकते हैं। तो अगर आपके कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे रिएक्ट नेटिव क्या है और क्यों हमको इसकी ज़रूरत है। देखिए, रिएक्ट नेटिव की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल में क्या आता है, मेन जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है एंड्रॉयड और सेकेंड है iOS। अगर हमको सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनाना है तो फिर हमको जो है जावा या फिर कॉटलिन का यूज करना पड़ता था, और iOS के लिए हमको स्विफ्ट का यूज करना पड़ता था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव की मदद से क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी एक कोड बेस रहेगा, हम क्या करेंगे रिएक्ट का कोड लिखेंगे। अब देखिए, आपने जो नॉर्मल रिएक्ट सीखा होगा ना, इससे थोड़ा सा नेटिव डिफरेंट होता है। अगर आप नॉर्मल रिएक्ट की बात करेंगे, जैसे कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, ये रहा हमारा नॉर्मल रिएक्ट। ऑफिशियल वेबसाइट तो अभी इसकी चेंज हो गई, react.dev पे ये शिफ्ट हो गई, यानी नेक्स्ट जेएस का सपोर्ट इसमें आ रहा है, नेक्स्ट जेएस पे ये स्विच हो गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन उसका मिल जाएगा, गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए। ये सारी चीजें जो आपने रिएक्ट में सीखी है ना, स्टेट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, कैसे स्टाइलिंग होती है, फिर लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, यानी हुक्स जो भी है, तो ये सारी सेम चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। लेकिन देखिए, अगर आपको रिएक्ट नेटिव पर काम करना है तो आपको नॉर्मल रिएक्ट जेएस आना चाहिए, तभी जो है आप इसको कंटिन्यू करिए। अगर आपको नहीं आता है बेसिक रिएक्ट जेएस, तो आप पहले शुरू कोई भी क्रैश कोर्स देखिए, वहां से आप क्या कर सकते हैं रिएक्ट जेएस सीखिए, उसके बाद में फिर रिएक्ट नेटिव को कंटिन्यू करिए। देखिए, दोनों में नाम सेम है, रिएक्ट नेटिव और नॉर्मल रिएक्ट। अब नॉर्मल रिएक्ट में क्या होता है, हम इसमें वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि हम ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट नेटिव में हम क्या कर रहे हैं, नेटिव का मतलब क्या है कि प्योर। प्योर क्या है, अब देखिए मोबाइल के लिए बन रहा है तो मोबाइल में प्योर क्या रहेगा, उसका हार्डवेयर। तो ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, नेटिव की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा मॉड्यूल, फिर जो भी हार्डवेयर के अंदर चीजें रहेंगी, सेंसर्स रहेंगे, तो ये सारी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव की मदद से। अगर हम वहीं पर नॉर्मल रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर मान लीजिए नेक्स्ट जेएस का हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम ये सारी चीजें एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि मोबाइल फ्रेंडली हम एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं नॉर्मल रिएक्ट का यूज करके या फिर नेक्स्ट जेएस का यूज करके, लेकिन उसके नेटिव फीचर्स हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स मार्केट में मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल आपकी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देते हैं एंड्रॉइड के एप्लीकेशन में या फिर iOS के एप्लीकेशन में, लेकिन वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगी, वो नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होंगी। तो ये भी एक डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्योर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाना है, तब आप जो है रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है रिएक्ट में बनी हुई, तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। ज्यादा नहीं, माइनर चेंजेस रहेंगे, आप एक बार कोड बेस देख लीजिए, आपको समझ में आएगा इसमें क्या होता है। थोड़े से हमको माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं। अब देखिए, माइनर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो लाइन आपने लिख दिया। देखिए, सिंटैक्स चेंज होगा क्योंकि कंपोनेंट्स यहाँ पर चेंज होंगे। अब वेब बेस में कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्यूटोरियल में, मैं एक ट्यूटोरियल बता देता हूँ आपको रिएक्ट जेएस का। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, इसमें जितने भी स्टेट है, हुक्स है, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, आप उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई कोड है, एक बार देख लेते हैं, स्टार्टर कोड बता रहे हैं ना, इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर टिक टैक टो का जो है ना कोड है। अब इसमें जो फंक्शन यूज हो रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लास फंक्शन है, तो क्लास फंक्शन तो हमको नहीं चाहिए, फंक्शनल कंपोनेंट का हम इसमें यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पर फंक्शन लिख रहे हैं ना, और ये जो बटन कंपोनेंट है, तो हम HTML का इसमें यूज करते हैं नॉर्मल रिएक्ट में। लेकिन रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है, रिएक्ट नेटिव टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर इसके सेपरेट कंपोनेंट्स है जो कि मोबाइल सपोर्ट करता है, हम आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको समझना है कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हमको मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस बनानी है, तभी हम जो है रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल करेंगे।
और अगर हमको वेब वर्जन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे या फिर नेक्स्ट जेएस का हम इसमें यूज करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। और एक डिफरेंस इसके बीच में ये है कि यहाँ पर जो रिएक्ट है ना वो डॉम पर काम करता है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर, और नेटिव क्या करेगा, नेटिव फीचर को एक्सेस करेगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेंगे। आपको भी क्या करना है, reactnative.dev पर जाना है। और इसको कैसे यूज करना है तो सिंपल है, उसके लिए आप जाए इस गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है कैसे आप जो है रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हैं। तो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कॉन्फिगर करेंगे हमारे सिस्टम में। अब जैसे नीचे स्क्रोल करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक एक्सपो गो और सेकेंड वाला है रिएक्ट नेटिव CLI। अब ये दोनों चीजें क्या है, देखिए रिएक्ट नेटिव को अगर आपको यूज करना है और अगर आप बिगिनर है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपो मैं आपको साइड में बता देता हूँ, यहीं पे हम क्या कर लेंगे, गूगल करके सर्च कर लेंगे एक्सपो, एक्सपो CLI फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा, देखिए इस पर क्लिक करिए। अब एक्सपो CLI क्या है, ये थोड़ा सा हमारा काम आसान कर देता है और ज्यादा हमको ये कंपोनेंट्स का सपोर्ट देता है। जैसा कि अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे ना तो यहाँ पर सारी चीजें आपको मेंशन मिल जाएंगे, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्सपो की मदद से हम क्या करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके नेटिव फीचर्स हम एक्सपो की मदद से भी यूज कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली अगर आप रिएक्ट नेटिव यूज करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा हार्ड इसमें जा सकता है। अगर आपने इससे पहले कोई भी मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया है तो आप डायरेक्टली जो है रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल मत करिए। आप पहले शुरू एक्सपो में एक दो एप्लीकेशन बनाइए, उसके बाद में फिर आप रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल करिए, क्योंकि रिएक्ट नेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल रिएक्ट के मुकाबले, और इसमें जो है थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन भी हमको ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हम एक्सपो की बात करें तो एक्सपो हमको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि हमको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाई डिफ़ॉल्ट एक्सपो CLI की मदद से हमको सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ से अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना तो इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएंगी, कैसे आप जो है इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें एक्सपो प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें, गाइड्स पर क्लिक करिए, क्या क्या चीजें हैं, ऐप कॉन्फ़िग, परमिशन, अगर आपको नहीं भी समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करिए। डायरेक्टली जब हम कोड लिखेंगे ना उसके साथ में आप फॉलो करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपो का यूज करेंगे। अब एक्सपो को पहले हमको इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको NPX की मदद से यूज कर सकते हैं। अब NPX को यूज करने के लिए हमको हमारे सिस्टम में Node.js को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो Node.js कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप क्या करें, सबसे पहले विजिट करें Node.js, गूगल भी कर लेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, देखिए Node.js.org, इस पर क्लिक करिए। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से फिर यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दे देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक LTS वर्जन है और सेकेंड वाला है करंट। अब करंट में क्या होता है, लेटेस्ट फीचर्स होते हैं, लेकिन ये यूज नहीं करना है अपने को, हम यहाँ पर स्टेबल वर्जन चाहते हैं ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने ना मिले। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जिसमें हमको कोई भी एरर देखने नहीं मिलते जब तक कि हम खुद से उसमें एरर ना कर दें। और करंट में एडवांस फीचर होते हैं लेकिन फिर वो स्टेबल नहीं है तो चांसेस है कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। तो आप क्या करें, इसको पहले शुरू इंस्टॉल कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करिए, इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आप इसको कैसे चेक करेंगे, आप क्या करें, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। जैसे कि मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा Node-V। तो जो भी आपने Node.js का वर्जन डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मेरे केस में देखिए 18.15 है और अभी करंट में चल रहा है 18.17। तो ये माइनर सा डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है आप फ्यूचर में ये वीडियो देखें तो फिर आपको जो है इसका वर्जन और ज्यादा देखने मिल सकता है, मगर एटलीस्ट 18.15 तो रखिए। इसके साथ में हमको आता है नोड पैकेज मैनेजर, जिसे हम कहते हैं NPM, और इसका भी वर्जन आप चेक कर सकते हैं, NPM-V करके आप टाइप करिए। तो यहाँ पर देखिए 9.5 का जो है नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन है, जिसकी मदद से हम पैकेजेस या डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर सकते हैं। अब डिपेंडेंसीज क्या है, जो भी सपोर्टिव पैकेजेस हैं जिसकी हमको जरूरत होती है हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो उसको हम डाउनलोड करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कमांड है NPM, NPM के अंदर देखिए यहाँ पर इसने कैसे एप्लीकेशन को क्रिएट किया, सबसे पहले इसने NPX का यूज किया। अगर आप NPX यूज करेंगे तो आपको एक्सपो को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले हमको डाउनलोड करना पड़ता था एक्सपो CLI, लेकिन अब जो है
डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट होना है। नोड जेएस अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद में डायरेक्टली आप जो है ये कमांड की मदद से रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये एक्सपो की मदद से क्रिएट होगा तो बहुत सा कॉन्फिगरेशन इसमें एक्सपो का आएगा। अगर आप सीएलआई का यूज करेंगे तो ये डायरेक्टली सीएलआई से रिलेटेड यानी प्योर रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स आपको देगा, लेकिन एक्सपो क्या करेगा यहाँ पर खुद के सेपरेट पैकेजेस भी यहाँ पर देगा, जैसे बंडलर हम कहते हैं ना, तो वो चीजें यहाँ पर ये एडिशनल प्रोवाइड करता है ताकि हमको और आसानी हो रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। और एक्सपो अगर आप यूज करेंगे ना तो आप क्या कर सकते हैं, एम्यूलेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एंड्रॉयड स्टूडियो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी मोबाइल है ना उसमें डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं और डीबग कर सकते हैं। कैसे, आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है एक्सपो क्लाइंट, या फिर एक्सपो ऐप भी आप सर्च कर सकते हैं, एक्सपो ऐप प्ले स्टोर, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पे सर्च करिए, देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से आपको जो है आईओएस के लिए भी मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक पे मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन होती है। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में जो है जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सो पहले शुरू आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और जब आप इसकी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे यानी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन एक्सपो की मदद से क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन रन करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, उसको आपको सिंपली स्कैन करना है और वो एप्लीकेशन यानी जो भी आपने एप्लीकेशन रन की होंगी ना वो आपके फोन में जो है लाइव हो जाएंगी। कैसे होंगी आगे देखेंगे। मैं यहाँ पर जो है एम्युलेटर का यूज करूंगा क्योंकि मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ। अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है यानी 16 GB एटलीस्ट रैम है तब आप क्या करें यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल करना है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो इतना लिख के सर्च करिए, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। आपको इसको डाउनलोड करना है और ये काफी बड़ा है और हैवी भी है, तो आप क्या करें इसको पहले शुरू डाउनलोड कर लें। अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के मामले में अच्छा है तभी आप जो इसका यूज करें, वरना आप एक्सपो क्लाइंट का यूज कर सकते हैं, यानी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करिए और वहीं से एक्सेस करिए तो वो भी परफेक्टली काम करेंगी। लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए तब आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर कंसेंट आपसे पूछेगा, आपको सिंपली इसको एग्री कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करिए और ये इंस्टॉल हो जाएंगे, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसका इंस्टॉलेशन भी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहा है तो आप जो है गूगल करके भी देख सकते हैं, आपको और काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स इसके ऊपर मिल जाएंगे। या फिर अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लेता हूँ मैं कोई है क्या अवेलेबल, एसेंशियल इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके बता देता हूँ, और यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट भी बता दिया इसने, कितना आपको रैम चाहिए और फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। सो मेक श्योर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर ट्यूटोरियल भी है कैसे इसको इंस्टॉल करना है, इनकेस अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको ज़रूर देखें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए मैं जो इसको इंस्टॉल करके नहीं बता रहा हूँ, इतना हार्ड नहीं है, आप कर लेंगे आई होप सो। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो के बाद में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर के लिए जो है वीएस कोड का इस्तेमाल करेंगे, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। नॉर्मल आप रिएक्ट के लिए भी यूज करते होंगे या फिर जावास्क्रिप्ट के लिए, तो सेम हम यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल करेंगे, ये भी अवेलेबल है विंडोज मैक और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखिए, इसका हम यूज करेंगे, इसकी मदद से हम हमारी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये सारा सेटअप है, आई होप इतना सारा आप सेटअप करके रखेंगे, और आप चाहें तो इसको डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें, आप एक्सपो का भी देख सकते हैं या फिर प्योर रिएक्ट नेटिव का भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपो भी क्या कर रहा है रिएक्ट नेटिव का ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमको थोड़ा सा जो है इसमें एडवांटेज मिलता है एक्सपो में, वो बहुत से प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हमको दे देता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली उसको इम्पोर्ट करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर प्योर रिएक्ट नेटिव की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फिग्रेशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक से दो बार अगर आप एक्सपो में एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो फिर आप डायरेक्टली जो है रिएक्ट नेटिव में भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे पब्लिश भी करेंगे हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे, या फिर एक्सपो में क्या होता है एक्सपो का खुद का प्ले स्टोर भी आता है जहां से आप क्या कर सकते हैं आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको आईओएस और फिर एंड्रॉयड दोनों में जो है इजीली जो है शेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे, फिलहाल आप क्या करें इतना सेटअप देख के रखें, और बेसिक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।